कांग्रेसियों ने बुधवार को ट्रेन रद्द करने को लेकर दुर्ग में घंटों मालगाड़ी रोककर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा सहित कई कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। भारतीय रेल द्वारा ट्रेनों के रद्द किए जाने से नाराज कांग्रेसियों ने पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुर्ग रेलवे स्टेशन पर नारेबाजी करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि भारतीय रेल को उद्योगपतियों को बेचने की साजिश रच रही है। केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में आक्रोश का वातावरण बना हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के ज़माने के जो सरकारी संस्थान थे उनका प्राइवेटाइजेशन करने का काम मोदी सरकार कर रही है। यहां तक रेल विभाग का भी निजीकरण करने का कार्य इनका प्रारंभ हो गया है, अडानी के हाथ सौंप सके ताकि अडानी जी को इसका फायदा मिल सके। और आप देख रहे हैं कि कोरोना काल से लेकर आज तक ट्रेन बंद है, लोग कुछ ट्रेन आ रही है वो भी अनियमित है, लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। सस्ता सरल सुगम अगर कोई साधन है आम आदमी के लिए तो वो ट्रेन है, उसको भी बंद करने का काम केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। ये तो अच्छी बात है कि हमारे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल हैं और उन्होंने अपने स्वयं के संसाधन के आधार पर प्रदेश में 5 वर्ष तक सरकार चलाई है। केंद्र सरकार ने एक फूटी कौड़ी की मदद नहीं की है। उन्होंने कहा कि रेल का परिचालन होना चाहिए लेकिन केंद्र की सरकार कुंभकर्णी नींद में सोई रही, उसको जगाने के लिए आज पूरे प्रदेश में ये आंदोलन किया जा रहा है। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है सभी प्रकार के उपक्रमों को, सार्वजनिक उपक्रमों को बेचने का काम किया जा रहा है। रेलवे बेच रहे हैं, हवाई अड्डा बेच रहे हैं, लो संयंत्र बेच रहे हैं, ऐसे बहुत से उपक्रम है यात्री ट्रेनें हैं उसको या तो रद्द किया जा रहा है या विलंब से चल रही है। वहीं दूसरी ओर अडानी के जो माल गाड़ी है वो लगातार अनवरत चल रही है। ये देश के न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़, हर पल हर क्षण हर सच।